प्रभु का प्रताप ऐसा है कृषानुम। लेकिन इसके पहले माँ इतनी प्रसन्न हो, देखिए माँ जब प्रसन्न होती है ना तो हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मेरी माँ आशीष देने राम प्रिय जा हो अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो सब गाइए करहूं कृपा दे दिया अजर हो जाओ अमर हो जाओ गुण के खजाना हो जाओ। अरे आप बलवान हो जाओ लेकिन शीलवान रहो। ध्यान रखिएगा बलवान व्यक्ति शीलवान नहीं होता। जो लोग पहलवानी करते हैं या चाहे जो जिम में जाकर के यहां फुला लेते हैं ना तो उनका गंदा टेढ़े रहता है, सीधे कभी नहीं चलते। हाँ दो बटन खुली रहती है, रिवाल्वर लगाए हैं तो पीले वाली रसरी ऊपर कर लेंगे। बलवान को शील नहीं होता। माने क्या कहा, हो हुतात बल शील निधाना, बलवान शीलवान होता। हमारे डॉक्टर साहब सुबह 1.5 घंटा व्यायाम करते हैं, एक बार इनको मैंने उठा लिया था कहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो क्यों, पहले हम तो पहलवानी करते नहीं, हमारे मित्र हैं तो हम इनको एक बार टांग लिए थे कंधे पर, बड़े बलशाली आदमी हैं ये, जबकि थोड़ा दर्द रहा दिन भर लेकिन तो तानी लिए इनको है? बड़े अच्छे हैं डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा क्या है? ये तो लीला है हो, मित्र भाव में हर्ष में रही आनंद में रही। मैं तो कहूँ परिवार में भी आप कोतवाल बन के मत रही। आप देखें तो लोग उठ जाएं, आप देखें तो लोग बैठ जाएं, ये कोई परिवार है? ये तो थाना है। थानेदार बन के घर में कैसे चलेगा है? भगवान कितने सरल हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते ही किए आप समान। अयोध्या जी में आप आएंगे तो सावधान रहिएगा, क्या दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा, नहीं तो यदि आश्रम में 4 वानर हैं तो एको कपड़ा बचना नहीं है। और भगवान पदुम 18 जूथपति वानरों का और उनके अंदर 1100 सैनिक, कितनी संख्या है। इतने वानरों की टोली लेकर भगवान मगन होकर के युद्ध में रत रहे है ना। हाँ परिवार के रस को हम अपने अहम को मारकर परिवार में रसमय रहेंगे तो राम कथा हमारे जीवन में सधेगी, आनंद रहेगा। देखो कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई आगे नहीं, चढ़े नहीं, सुने नहीं, बोले नहीं, क्या हो जय जय श्री हनुमान जी ने आशीर्वाद पाया। जैसे माँ ने कहा करहूं कृपा, कौन प्रभु, हनुमान जी नाचने लगे। माँ गदगद हुई, हनुमान जी ने संदेश दिया था वो कभी आपको सुनाएंगे अथवा पाठ रूप में श्रवण करें, बहुत सुंदर। अब फल देखकर हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लगाई आपका दर्शन भैया। आपको अनुभव होगा बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं लेकिन जब घर में आते हैं तो उनको भूख लग जाती है। माँ ने पूछा आप मार्ग में नहीं खाए, जाके खाइएगा यहाँ न खाइए। बोले माँ मार्ग में तो सब मुझे ही खाने वाले मिले। सिंह का सुरसा लग्गी नहीं, अरे यहाँ तो कोई पानी देने वाला नहीं, मित्रों कोई नहीं, आपको जो समझ जाए सो समझ जाए, कोई पूछता नहीं हो। दुनिया बड़ी अलबेली है,
सब ये पूछते हैं आपने मेरे लिए क्या किया, आपके लिए भी कुछ होना है इसकी परवाह। अभी आपसे मैं कह रहा हूँ ये जगत है, लेकिन माँ यही पूछती है दिन भर कहाँ रहे, कुछ खाए? अब खाएंगे, आपको देखा है ना, अब खाएंगे। हनुमान जी ने कहा आपको देखा भूख लग गई, मना किया, रखवाले बहुत हैं। हनुमान जी ने कहा आप प्रसन्न हो तो उनका कोई भय नहीं है, थोड़ा मैं भी बहुत थक गया हूँ थोड़ा जरा। हनुमान जी ने कह दिया अधिक बुद्धि बल नपुन कहे जान की, रघुपति चरण हृदय तातो मधुर भला। देखो यद्यपि हमको भी दर्शन में जाना है और संस्था को कुछ आपसे कहना भी होगा, पूर्णावती की बेला है, लेकिन मैं 15 मिनट और कथा सुनाऊं ये आपसे प्रार्थना है, कारण कि कल से तो आपके पास समय ही समय रहेगा, आज ही भर का आधा मिनट आधा घंटा रहेगा, तो हम लोग थोड़ा भावपूर्वक बस शीघ्रता से शेष कथा तो आप जान ही रहे हो, इसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने थकान मिटाई, आइए इसका दर्शन करें। धनुजवन कृषानुम चल वो नाय सिर बैठे अशोक बाटिका उजारी खाय से फल अरुपिट बहुकारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे मुनि रावण पठे भट लाना इन्ह देख कर जो हनुमान जय श्री राम जय श्री राम। भट आए हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा सब पर एक साथ दे मारा सब रजनी चर कपि संहारे गए पुकारत कछु वध मारे मुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा चला संगले सुभट अपारा अक्षय को भाते हनुमान जी ने देखा अंगद जी के भाव का स्मरण किया एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा जय अक्षय का क्षय। आवत देख बिटप कही तर जा ताहिने पाद महाधुनि कर जा ताहिने पाद महाधुनि कर जा। आप अक्षय के साथ जो और वीर लोग आए थे सुभट लोग चला संगले सुभट अपारा सौ बाएं सौ दाएं। बाबा ने लिखा है कछु मारे सी कछु मर्देसी मर्देसी माने ये कुछ को मार दिए कुछ को मर्द दिए और जो बचे कछु मिले सिधरी दूर में हनुमान जी ने अब कुछ को संदेश के लिए छोड़ दिया कछु पुन जाय प्रभु मर कट बहुत बल है उसमें प्रभु। अक्षय को सुभटों को रावण ने कहा क्या बकते हो सबको मार देता है ऐसा कौन कभी हमारा तो भोजन है। प्रभु कभी हमारे भोजन थे अब हम लोग उसके भोजन हो गए जिसको पाता है निपटा देता है। रावण को क्रोध आया अंगद का मरण सुनकर मेघनाथ बुलाया सुन सुत बदल अंकेशरी साना मेघनाथ बलवाना रावण ने कहा मारना मत बांध के लाना। क्यों? रावण सोच कर बोला कि जैसे अंगद चला गया कहीं इसको भी ना मार दे इसलिए हाँ अक्षय जैसे चला गया मेघनाथ भी न चला जाए भले वीर होगा भय तो भय होता है। अरे मारे सुजन सुत बांधे सुताही मारे सुजन सुत बांधे सुताही देखिए कपि कहा कर आई देखिए कपि कहा कर आई चला इंद्रजीत तुलित छोड़ा चला इंद्रजीत तुलित छोड़ा बंदन धन सुने उपजा क्रोधा बंदन धन सुने उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कपि देखा दारुण भट आवा कटाई कर जाय आवा कटाई कर जाय आवा जय श्री राम। एक विशाल
हनुमान जी ने रथ पर दे मारा। जय छोड़ दिया आवत देख बिटप गई तर जा। अंग अक्षय को जैसे मारा वैसे मेघनाथ पर वार हनुमान जी ने नहीं किया, क्योंकि अंगद जी को अक्षय से भय था। इसको पहले विरत किया, मेघनाथ उड़ा तो उसके साथ जो आए थे सेवादार लोग रहे महाभट ताके संगा कही कही कब। हनुमान जी अपने बदन में रगड़ने लगे, ये चिल्लाए। मेघनाथ बोले क्यों त्राही त्राही करते हो? बोले बहुत रगड़ाई कर रहा। कई संत लोग कहते हैं मेघनाथ के साथ आए माँ भटों से हनुमान जी ने भगवान के नाम का कीर्तन किया। अरे मरता क्या न करता, कीर्तन करता कि भजन करता। मेघनाथ को बुलाया, त्राहिमाम त्राहिमाम युवराज त्राहिमाम। मेघनाथ आया, हनुमान जी और मेघनाथ का द्वंद भया है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके सिरोभाव पर मारा। जय मुठिका मारी चढ़ा तरु मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छित हो गया। हनुमान जी पेड़ पर बैठे रहे, राम राम करते रहे। उठेगा तो फिर लड़ेंगे, लेकिन जब मेघनाथ उठा तो युद्ध न भया। विचार किया और सीधे ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। क्यों? एक घुसा ही उसको वज्रवत जान पड़ा, तो दोबारा मार देगा तो जाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन के इन विचार अति है। जौन ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटई। हनुमान जी महाराज को तो कोई अस्त्र अग्नयास्त्र पशुपत्यास्त्र देव्यास्त्र गणपति यास्त्र ब्रह्मास्त्र कोई प्रभाव पड़ते ही नहीं। आप श्री हनुमान चालीसा के साथ में जो हनुमान अष्टक उसको पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो देवन आनी करी तब छाड़ दियो को नहीं जानत है जग में कभी संकट। हनुमान जी महाराज को कोई अस्त्र का प्रभाव नहीं, लेकिन देखिए आसुरी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति दोनों प्रवृत्तियों से श्रेष्ठ है मानवी प्रवृत्ति। मानवी प्रवृत्ति अपना भी संहार करती है औरों का भी संहार करती है, दैवी प्रवृत्ति जो भी करती है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर करती है। आसुरी प्रवृत्ति अपना लाभ चाहे दूसरे का विनाश हो के हो ये आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु मेरा मया ये मानवी प्रकृति का स्वभाव, दूसरे का बिगड़े नहीं। हनुमान जी जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। मेघनाथ को लगा कि ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गया, उठाओ। राक्षस बोले आपे उठाओ, क्योंकि जिनको पकड़ते हैं हनुमान जी इतना घसीटते हैं रगड़ते हैं। देखो कट जाए तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब घसीट जाए तो बहुत दर्द होता है। सहजावस्था। तब असुर ने कहा नाग पांच से हाथ बांधिए, दंड किएगा हनुमान जी को। नाग पास भी प्रभाव नहीं कर सकता है, परंतु रावण के यहाँ पहुँचना, इसलिए हनुमान जी नाग पास में भी बध गए। तही देखा कपि मूर्छित भयउ मेघनाथ नाग पास बाधेसी तब लई गयउ। रावण के सन्मुख पहुँचे, वहाँ देखे कर जो रे सुर दिसिप विनीता। अरे हनुमान जी महाराज जैसे सर्पों के बीच में गरुण जी निर्द्वंद चले जाते हैं वैसे चले जा रहे हैं, ऐसे हनुमान जी हाथ बांधे चले जा रहे हैं रावण के सन्मुख। रावण के 6 प्रश्न, हनुमान जी के 18 उत्तर। समझाए माना नहीं, माना नहीं। अंग भक्त की बात कही, विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा दूत के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, और कोई उपाय करिए। रावण देखने लगा हनुमान जी को और बोला
पूंछ इसकी बड़ी है, पूंछ का क्या काम, इसको जला दो जला दो जला दो। रावण चिल्लाता बहुत, अपने पक्ष में कमजोर आदमी चिल्लाता बहुत। देखिए जो मैं कह रहा हूं ना वो समझिएगा, घर में मत कहिएगा, केवल समझिएगा। जो अपने पक्ष में हारने लगता है वो जोर जोर से बोलता है कि जो दूसरा प्रतिपक्ष है वो चुप हो जाए। आजकल नहीं, क्या सड़क क्या संसद सब जगह चिल्लाहट मची, जुटे पे मतलब पक्ष को मजबूत रखिए सिद्धांत से, ऐसा ठीक बात नहीं। तेल बौरी पटपांत पुनि पावक देह। हनुमान जी ने सरस्वती जी को धन्यवाद किया है, क्यों? पहले की गलती अब तो सुधार लो माई। रहान नगर बसन घृत तेला, क्यों? बाढ़ी पूछ की नकेला। हनुमान जी की, हनुमान जी का ऐश्वर्य ऐसा है, प्रतिष्ठा ऐसी, कोई उसको जला नहीं सकता। इसको महिमा शक्ति कहते, महिमा शक्ति। अष्ट सिद्धियों में हनुमान जी की महिमा कितनी, भगवत भक्त हैं, राम दूत हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कोई जला नहीं सकता। किसी की प्रतिष्ठा जलाई जा सकती है? किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा सकता है? किसी की प्रतिष्ठा को गलाया जा सकता है? कदापि नहीं। हनुमान जी महाराज, पावक जरत देखी हनुमंता, भयव परम लघु निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत हरी भय से हो गई। हरी प्रेरित ते ही अब सरल चले, अट्टहास करी कर जा कभी बढ़िला, पिघल गई सोने की लंका। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप, बहुर जनक सुता के आगे ठाड़। माँ को प्रणाम किए हनुमान जी, चूड़ामणि लेकर के कपियों के पास, सुग्रीव जी के पास, मदबन में फल खाए, भगवान के सिर चरण में। जामुन जी ने संदेश दिया, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, काजू जन्म हमार सफल भा।